जब कोई डैशबोर्ड हम बनाते हैं तो डैशबोर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है तो चार्ट के पीछे की डेटा। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि हमने डैशबोर्ड बनाया हुआ है, इस डेटा को बनाया हुआ है। प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे जस्ट चार्ट शो करना है, डेटा नहीं शो करना है, तो मुझे इस डेटा के लिए एक अलग सपोर्ट शीट पे रखना होता है जो कि पिवट के रूप में इसका वर्क करता है। और फिर प्रॉब्लम होती है इसकी ऑपरेशन का। अब यही प्रॉब्लम हम पाइथन में इजीली कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक्सल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे पाइथन कोडिंग इन एक्सेल की वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं बात करूंगा कि अगर आप कोई डैशबोर्ड तैयार करते हैं उसकी विजुलाइजेशन के लिए पीछे सपोर्टिंग डेटा, क्योंकि पूरी विजुलाइजेशन आप पूरी की पूरी रॉ डेटा से तो नहीं बना सकते हैं, उसके लिए आपको समरी क्रिएट करनी पड़ेगी और समरी को पिवट या किसी और थ्रू की चीजों के लिए क्रिएट करके किसी अलग सीट पे उसको होल्ड करना पड़ेगा, देन हम उससे अपनी विजुलाइजेशन तैयार करते हैं। बट अगर आप पाइथन की कोडिंग एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक विजुलाइजेशन तैयार किया है जिसके इस डेटा पे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेल के अंदर कुछ लाइनों की कोडिंग कर दी। और कोडिंग करते ही ये देखिए आपके सामने मेरा चार्ट तैयार है। कल के डेट में अगर इसके अंदर हम किसी भी तरह का चेंजिंग करेंगे यहाँ पे, तो कुछ ही सेकेंड्स में देखिए मेरा चार्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। रिफ्रेश करने का झंझट भी इसमें नहीं। तो ये कैसे हुआ, इसके लिए क्या मेथड यूज किए, चलिए हम आपके सामने करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद इस पे हम डेटा को डालते हैं और यहाँ पे फॉर्मूला में जाते हैं हम पैथन। कुछ लोगों के पास ये पैथन नहीं मिलेगा तो बता दूं कि इसके लिए आपको सेटिंग थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। अपने अकाउंट पे जाइए, सबसे पहले आपके पास ऑफिस 365 का वर्जन होना चाहिए। जी हाँ, ओबी वर्जन आपका होना चाहिए, इंटरप्राइज वर्जन नहीं होना चाहिए क्योंकि इंटरप्राइज वर्जन में सिस्टम होता है हटाने का। दूसरा, आपको ये जो यहाँ पे चैनल आपको दिखेगा ऑफिस 365 इनसाइडर, उस पे जाके चैनल चेंज चैनल पे जाके आपको यहाँ पे बीटा चैनल सेलेक्ट करके ओके करना पड़ेगा। फिर आपको विद इन वीक में आपके एक्सेल में ऑटोमेटिकली अपडेट आएगा और उस अपडेट के अंदर में आपके पास इस पैथन वाला पार्ट आ जाएगा। पैथन भी रिव्यू में है तो माइक्रोसॉफ्ट अभी आपको फ्री में दे रहा है, इसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा है। ओके, तो चलिए हम यूज करते हैं प्योर। तो सबसे पहले हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, पिवट बनाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ लाइब्रेरीज को ऐड करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पाइथन पे क्लिक किया, अब यहाँ पे डबल क्लिक करके कोडिंग करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे इम्पोर्ट पांडाज, क्योंकि पाइथन पिवट पांडाज से ही बनेगा, तो पांडाज एज ए पीडी। फिर इम्पोर्ट मैट, क्योंकि चार्ट बनानी है तो मैट प्लॉट लीव डॉट पाई प्लॉट लेना पड़ेगा एज ए पी एल टी, कुछ भी नाम दे दीजिए। अब मुझे यहां से डेटा लेना हो तो डेटा इक्वल टू, अब मैं अपना डेटा ले लेता हूं यहां पे। ध्यान रखिएगा डेटा लेते समय हेडर्स ट्रू होना चाहिए। तो डेटा को सिलेक्ट कर लिया। डेटा सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना हो, तो मैं लिखा डी एफ इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम और इसके अंदर हमने डेटा डाल दिया। शॉर्ट में डालना होगा डेटा, ये डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो गया। अब मुझे अपना पिवट टेबल लगाना होगा, यहाँ पे लिखा पिवट टेबल पी टी, यहाँ पे पी टी इक्वल टू पी डी डॉट पिवट टेबल और इसके अंदर मुझे अपना डालना है डेटा जो कि डी एफ है। उसके बाद यहां डालना है वैल्यू, वैल्यूज क्या है, तो वैल्यूज हमारा इसमें वैल्यूज कौन सा हेडिंग है मेरा, सेल्स है, तो इन्वर्टर कॉमा में मुझे सेल्स डालना है। फिर यहाँ पे कॉमा इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, तो इंडेक्स को हमें हमारा नेम है तो नेम को ला,
यहाँ पे आपका कॉलम वगैरह है तो भी आप डाल सकते हैं, मुझे ये चीज डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम बोलते हैं फॉर्मूला, तो कॉलम में नहीं देना चाहता मैं यहाँ पे एग्रीमेंट फंक्शन इक्वल टू हमने डाल दिया सब, यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए सब। उसके बाद एक चीज और भी है, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा फिल वैल इक्वल टू हमने डाल दिया जीरो। मतलब कि अगर मान लीजिए इसमें क्या होता है कि अगर किसी का मान लीजिए कि मोहन का है ही नहीं पुणे में, तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा एरर, उस केस में वो जीरो कर देगा, मतलब कि जीरो डाल दे। ये लग गई पिवट टेबल। अगर मैं इसी को एंटर प्रेस कर दूं अभी, कंट्रोल एंटर माफ कीजिएगा, कंट्रोल एंटर प्रेस कर दूं, तो कुछ सेकंड बाद ये आपका रन हो जाएगा। अभी आपका ये 1 मिनट, हाँ इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, हमें सेल्स नहीं सेल्स एस लगाना है लास्ट में। कंट्रोल एंटर मारी, थोड़ा तो सा टाइम लगेगा, डेटा फ्रेम आया। अब यहाँ पे एक्सेल क्लिक कीजिए और वैल्यूड एक्सेल पे क्लिक कीजिएगा, तो कुछ देर में देखिए आपका पिवट यहाँ बन के रेडी हो। और ये ऑटोमेटिक जैसे अजीत है, अगर मैंने यहाँ पे अजीत का वैल्यू 68 के जगह पे 100 कर दिया, तो ये देखिएगा अजीत 138 से एंटर मारते ही कुछ ही देर में 170 हो, ऑटोमेटिक अपडेट होता है। लेकिन मुझे पिवट नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए चार्ट। ठीक है, चार्ट लगाते हैं। अब यहां पे देते हैं चार्ट के लिए कि पीटी डॉट प्लॉट, और प्लॉट के अंदर में हमने यहां पे दे दिया काइंड काइंड, और हमने काइंड में इन्वर्टर कॉमा में लिख दिया बार बार चार्ट, तो बार हॉरिजॉन्टल लिखना है तो बार हॉरिजॉन्टल, लाइन लिखना है तो लाइन कर सकते हैं। ये हमारा बार चार्ट बना दे। अब यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं, कंट्रोल एंटर। 1 मिनट, ओ सॉरी, अब ये देखिए बार चार्ट आपका बन गया। यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक कीजिएगा, ये आ गया, इस पे क्लिक कीजिएगा, ये देखिए आ गया। बाद में इसकी कलर वलर और बाकी चीजें चेंज करनी है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। सिंपल। और ये अपडेटेड है, अगर यहाँ कोई भी वैल्यू चेंज होगा 56 हो जाएगा। अब इसको जरूरी नहीं कि यहाँ रखेंगे, हम इसको कट करके यहाँ से कट करते हैं और कट करके किसी और जगह पे भी हम, क्योंकि तो इमेज की तरह बिहेव करेगा, हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, जैसे कि मैं पूजा की वैल्यू 500 कर देता हूँ, सबसे ज्यादा कर देता हूँ, एंटर मार दे, और यहाँ देखिए पूजा सबसे ज्यादा हो। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट्स हम बना सकते हैं अपने इस पिवट टेबल के ऑप्शन से। तो मेरी एक बैच स्टार्ट हो रही है 18 तारीख को, आप देख सकते हैं 18 तारीख को पाइथन की जिस तरह की कोडिंग जो है हम एक्सेल में कैसे करेंगे, उसकी पूरी बेसिक टू एडवांस हर एक चीज हम इस पे कवर करने वाले हैं। और ये स्टार्ट हो रहा है 19 दिसंबर 10 बजे से लेके 11 बजे के रात में स्लॉट रहेगा, और मंडे टू फ्राइडे रहेगी, और इसकी फीस जस्ट 2500 है। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए, अपना सीट बुक कीजिए और सीखिए बिल्कुल नया चीज। अब ये चीज मार्केट में बहुत कम लोगों को पता होगा कि पैथन की कोडिंग अंदर कैसे करते हैं। आप अगर जान जाइएगा तो आगे चल के मार्च वगैरह में जॉब वगैरह चेंज करना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।